नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल स्टार एकेडमी दादरी पर। हम हैं स्टारियंस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो इस चैप्टर को लेकर है। देखिए भाई, चैप्टर क्या है? चैप्टर है इनपुट आउटपुट, जो आपके कौन कौन से एग्जाम में, यदि आप UPSI का पेपर दे रहे हो तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये चैप्टर। यदि आपने इस चैप्टर को छोड़ दिया ना, इसका मतलब ये है 5 से 10 नंबर आपने अपने बेकार कर लिए, जो ऐसा आपको करना नहीं है। 5 से 10 नंबर का मतलब होता है सिलेक्शन से बाहर होना, मेरिट से बाहर होना, ठीक है? तो ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना होगा। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन बिंदास तरीके से कराऊंगा, आपकी समझ में पूरा आएगा, ठीक है? बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। चलो भाई, मैं सीधा क्वेश्चन ले लेता हूं। अब देखो, हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने इनपुट को देखना है। इनपुट को यहां पर देखो, ये इनपुट, इनपुट को देखने बाद में आपको लास्ट स्टेप देखना है कि लास्ट स्टेप तक पहुंचते पहुंचते क्या क्या हुआ इस क्वेश्चन में। तो मैंने देखा इनपुट जो है वो लिखा हुआ है सॉप 17 टेबल 2053 ओवर डेक्स 39। यहां पर ये चीज मैंने देखी। अब मैं जब चरण लास्ट पर आया, जब फाइनल चरण पे आया मैं, तो लिखा हुआ था 17। यदि मैं नंबर्स की बात करूं तो 17, यहां पर 20, यहां पर 39, यहां पर 53। कहने का मतलब सबसे पहले 17, 17 के बाद में आया 20, 20 के बाद में आया 39, 39 के बाद में आया 53। अब इन वर्णों को देखते हुए, इन नंबर्स को देखते हुए, जैसे कि आप रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, आपको यह पता लगा होगा कि 17 से बड़ा 20 होता है, 20 से बड़ा 39 होता है, 39 से बड़ा 53 होता है। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, देन बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। अब मैं कहूंगा आपने एक चीज तो बहुत अच्छी तरीके से पकड़ी, और ऐसे ही पकड़ोगे तो आपका कामयाब होना निश्चित रूप से सफल हो जाएगा, ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट पर आपको करना क्या है, ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए होते हैं, अल्फाबेट दिए होते हैं, यानी कि टेबल जो दिया हुआ है, ये सॉप दिया हुआ है, ये ओवर दिया हुआ है, ये डेक्स दिया हुआ है। आप देखोगे सबसे पहले आपको टेबल दिया हुआ है, टेबल के बाद में आप देखो सॉप दिया हुआ है, सॉप, उसके बाद देखो ओवर, ओवन दिया हुआ है आपको, देन उसके बाद डेक्स दिया हुआ है। आप यहां पे देखोगे तो यहां से ये पता लगा पाओगे कि सबसे पहले टी, जो कि टी कौन से नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है, और एस जो है आपका 19 नंबर पर आता है, ओ जो है वो आपका 15 नंबर पर आता है, डी जो है वो आपका 4 नंबर पे आता है। तो आप क्वेश्चन को देखकर ये पता लगा पाए कि पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। यानी कि मैं नंबर्स की बात करूं तो पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद इसे चालू कर दो यहां से, उसके बाद उससे बड़ा। यहां पर क्या हुआ, बड़े से छोटा, यानी कि दोनों आपस में उल्टे अपोजिट की साइड में हो गए, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आई तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो, यदि आपको इतनी बात समझ में आई हो तो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करके दिखाना, ठीक है? आपको कसम है उस खुदा की जिसमें आप सफल होना चाहते हो, जिस एग्जाम में आप सफल होना चाहते हो, क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, मैंने पहला क्वेश्चन देखो, मैंने यहां पर क्वेश्चन साइड से ही लगा दिया, इसको हटा दिया, ये लगा दिया, ये है मेरा इनपुट। अब आउटपुट में सबसे पहला स्टेप देखो भाई, स्टेप नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखना, स्टेप नंबर पहला मेरा क्या होगा, पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि सबसे पहले मुझे क्या लेना है। मैंने देखा सबसे पहले मुझे नंबर लेना है, क्या लेना है, नंबर लेना है। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, नंबर कौन कौन से हैं, आपका ये है, एक ये है, देन आपका 61 है, देन आपका 12 है, उसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो सबसे पहला जो नंबर होता है वो कौन सा नंबर होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सबसे जो पहला नंबर होगा वो 12 होगा। कौन सा होगा, 12 नंबर सबसे पहले लेना है, उसके बाद एज इज इट आपको शुरू से लेकर एंड तक वही छाप देना है, चीटिंग करके इसके पीछे पीछे चलना है, ठीक है? ये बेसिक तरीका है एकदम। अब आपको यहां पर लिखना है 89, यहां पर लिखना है बाइंड, देन यहां पर आपको 32, और यहां पर आपको गुड्स लिखना है। कहने का तात्पर्य आप ऐसा ही नोट कर देना, बस ये जो 12 नंबर है इस 12 नंबर को काट देना, 61 के बाद सीधा जॉय लिख देना। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब आगे की साइड देखो, स्टेप नंबर दो,
स्टेप नंबर दो में देखो, हम 12 तो स्टेप पहले से ही लिख चुके हैं, 12 तो हम पहले से ही लिख चुके हैं, तो 12 को लिखा रहने दो। 12 के बाद हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है, वो भी अल्फाबेट का। किसका? सबसे बड़ा नंबर लेना है, वो भी अल्फाबेट का। तो अल्फाबेट मैंने देखे, बी कौन से नंबर पर आता है? दो नंबर पर। जी कौन से नंबर पर आता है बताओ जी? सातवें नंबर पर। और एच कौन से नंबर पर आता है? आठवें नंबर पर। और आपका जे कौन से नंबर पर आता है? दस नंबर पर। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? जे, यानी कि जे ओ वाई। अब आपने दो सेट कर दिए, अब ये पीछे से ऐसे ही उतार दो, 89 यहां पर बी आई एन डी यू, आप सेम ऐसा उतार लेना, बस अब की बार इस जॉय को नहीं लेना। अगले पॉइंट नंबर तीन, यानी कि स्टेप नंबर तीन में क्या करना है? स्टेप नंबर तीन में आपने 12 को निकाला, आपने जे ओ वाई को निकाला, इसके बाद आपको नंबर लेना है। क्या लेना है? नंबर, वो भी 12 से बड़ा। तो 12 से बड़ा इसमें नंबर कौन सा है? 32। तो इस 32 को यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो 32। उसके बाद सेम एज इट इज अपना पहला वाला जो आपका वो है, आप उसी में से सेम नोट कर लो। क्या क्या आ जाएगा? 39 यहां पे आ जाएगा, बी आई एन डी, सेम नोट कर लेना, बस इस 32 को काट देना। पॉइंट नंबर चार, यानी कि स्टेप नंबर चौथा। स्टेप नंबर देखो चौथा क्या होगा, स्टेप नंबर चौथा देखो क्या होगा। अब हमने 32 तक पहुंच गए, अब इसके बाद एक जॉय के बाद एक आना चाहिए, जो कि जॉय से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, जो कि क्या है? एक हॉर्स। क्या है? एक हॉर्स है। तो हम यहां पे लिखेंगे 12, 12 के बाद लिखेंगे जॉय, जॉय के बाद लिखेंगे 32, 32 के बाद लिखेंगे आपका हाउस। क्या लिखेंगे? हाउस। देन इसके बाद हम यही चीज दोबारा से नोट कर देंगे, ये हो गया यहां पर बी आई एंड हो गया, और देन आपका जो भी दिखा हुआ है यहां पर वो लिख लेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा स्टेप क्या है, ध्यान से देखो। पांचवे स्टेप में आपको, आप कहां तक पहुंचे? 12 आपने लिखा, जॉय आपने लिखा, 32 आपने लिखा, और आपने हाउस लिखा। अब आपका नंबर आएगा जो 32 से बड़ा होगा। 32 से बड़ा कौन सा नंबर है? 32 से बड़ा नंबर है 61। कौन सा नंबर है? 61। अब यहां पे आप लिख लो 61, देन उसके बाद में 89 से यही नोट करना शुरू कर दो। अब स्टेप नंबर आ गया 6। 6 में आपने 12 लिखा, आपने जॉय लिखा, आपने 32 लिखा, आपने हाउस लिखा, आपने 61 लिखा। 61 के बाद में एक और नंबर आना चाहिए जो 8 नंबर से सस्ता होना चाहिए, यानी कि GOOD गुड आना चाहिए। देन इसके बाद पीछे से इसको तो काटो यहां से, और ये पीछे वाला सेम एज इट इज यही लिख दो। 89 यहां पर हो गया, बी आई एन, और यहां पे मैंने छोड़ दिया। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, ठीक है। अब आप कहां तक पहुंच गए? गुड तक। अब अगला नंबर इस 69 से बड़ा आना चाहिए। अगला नंबर 69 से बड़ा कौन है? ये खुद है, तो ये ऑलरेडी सेट है, इसमें कोई दिक्कत यहां तक? ये ऑलरेडी सेट है, तो मुझे इसे सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो गुड के बाद अगला नंबर आना चाहिए, गुड के बाद अगला नंबर किसका आना चाहिए? विंडो का आना चाहिए, जो अपने आप में फिर से सेट है। जब फिर से सेट है तो इसका मतलब ये नंबर भी सेट है और ये नंबर भी सेट है, तो कोई कट होने से बचा नहीं बचा। इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो कितने कॉन्सेप्ट, कितने स्टेप में आएगा? 1 2 3 4 5 6 स्टेप में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यदि आपको अब तक बात समझ में ना आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को दोबारा से दोबारा देखना, मैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता।